क्या आपको 90 के दशक की भारतीय क्रिकेट टीम याद है? उस दौरान की टीम शानदार होते हुए भी निष्क्रिय लगती थी। टीम अगर शानदार थी और मैच जीता तो सचिन की मैच जिताऊ पारियों की वजह से, नहीं तो रॉबिन सिंह के अंत समय में खेले गए कुछ बेहतरीन इनिंग से। यह टीम निष्क्रिय या निश्चेष्ट इसलिए थी क्योंकि टीम को बेसिक स्पष्ट नहीं था। उस टीम में मैच जीतने की वह भूख नहीं थी जिसकी आवश्यकता होती है। आज भारत के हिंदुओं के साथ भी यही समस्या है। 90 के दशक की भारतीय क्रिकेट टीम कई गुटों में बटी हुई थी। उस दौरान के कप्तान अजहरुद्दीन ने टीम को कई गुटों में बांट दिया था, या यूं कहें उनकी नीतियों की वजह से बट गई थी। विपक्षी टीमों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया और भारतीय टीम को हराने में सफल रही। वर्ष 1996 में भारत के विश्व कप से बाहर होने और इंग्लैंड दौरे में क्लीन स्वीप के कारण सचिन को कप्तानी सौंपे जाने के बाद अजहरुद्दीन की राजनीति और बढ़ गई थी, जिससे टीम में और दरार आ चुकी थी। उस दौरान अजहर ने जो टीम में किया वही कांग्रेस और अन्य सेकुलर पार्टियों ने भारत में हिंदुओं के साथ किया है। आज अगर देश में सबसे अधिक बटा हुआ कोई है तो वह है हिंदू। कांग्रेस और अन्य सेकुलर पार्टियों द्वारा की गई वोट बैंक की राजनीति, जिसे राजनीतिक पंडित सोशल इंजीनियरिंग का नाम देते हैं, इसने हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम किया है। उदाहरण के लिए जाटों और मीणाओं, ब्राह्मणों और क्षत्रियों, पटेलों और गैर पटेलों, लिंगायतों और वोकालिगा, यादवों और गैर यादवों, कम्मा और कप्पा, दलित और उच्च जाति के बीच संघर्ष आज भी जारी है। ये सभी जाति समूह एक ही भगवान की पूजा करते हैं, एक ही त्यौहार मनाते हैं और एक ही विचारधारा रखते हैं, लेकिन हिंदू विरोधी ताकतों ने इन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। आज एक सामान्य हिंदू अपने धर्म से अधिक अपनी जाति से पहचाना जाता है। एक जाति पर हमले को या तो नज़रअंदाज कर दिया जाता है या फिर मामला उठाया ही नहीं जाता है। कोई अपने आप को एथिस्ट कहने लगा है तो कोई सेकुलर बताकर अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहता है। 90 के दशक के बाद वर्ष 2000 में जब अजहर पर फिक्सिंग का आरोप लगा और सचिन ने कप्तानी लेने से मना कर दिया, तब कप्तानी सौंपी गई प्रिंस ऑफ कोलकाता को, यानी सौरभ गांगुली को। सौरभ गांगुली 90 के दशक की टीम में मौजूद थे तो उन्हें टीम के अलग अलग गुटों में बटे होने की बात पता थी। सौरभ ने कप्तानी संभालते ही टीम में सबसे पहले अनुशासन को सुनिश्चित किया। टीम के अनुशासित होने के साथ ही एकता अपने आप आ गई। सीनियर खिलाड़ी हो या जूनियर खिलाड़ी, टीम में सभी को एकजुट करने के लिए सौरभ ने परफॉर्मेंस को आधार बना दिया। जब खिलाड़ियों ने अपने परफॉर्मेंस के साथ साथ टीम के परफॉर्मेंस पर भी ध्यान देना शुरू किया, तब टीम से गुटबाजी अपने आप समाप्त हो गई। अजहर के समय व्यक्तिगत परफॉर्मेंस पर आश्रित रहने वाली टीम अब एक टीम की तरह खेलने लगी थी और मैच भी जीतने लगी। सौरभ गांगुली ने टीम में एक नई आक्रामकता का संचार किया था, जिससे भारतीय टीम न सिर्फ अपने देश में जीत दर्ज की बल्कि विदेशी धरती पर भी अपने झंडे गाड़े। भारतवर्ष में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में चुनाव जीतने के बाद हिंदुओं में यही एकजुटता लाने की कोशिश की। पर गांगुली और पीएम मोदी में अंतर यही था कि गांगुली को बस 11 खिलाड़ियों को देखना था और पीएम मोदी को लगभग 100 करोड़ हिंदुओं को एकजुट करना था। इसीलिए अगर हिंदुओं को एकजुट होना है तो सबसे पहले अपनी बुनियाद या यूं कहें बेसिक सुधारने होंगे, गुटबाजी बंद करनी होगी और एक यूनिट की तरह खेलना शुरू करना होगा। इसका एक ही समाधान है और वो है धार्मिक दक्षिण पंथ को अपनाना या कल्चरल राइट बनने की ओर अग्रसर होना, क्योंकि दक्षिण पंथ के बाकी रूप धार्मिक दक्षिण पंथ के अंदर ही आ जाती हैं। एक देश की संस्कृति ही वहाँ की राजनीति तय करती है और फिर देश की राजनीति उसकी रक्षा और अर्थव्यवस्था को तय करती है। जैसे ही संस्कृति का उत्थान सही दिशा में होगा, वैसे ही बाकी सब अपने आप सही दिशा में अग्रसर हो जाएगा। हिंदुओं में किसी भी अन्य धर्म की तुलना में एथिस्ट सबसे अधिक हैं। वास्तव में कोई अन्य धर्म तो नास्तिक होने की अनुमति भी नहीं देता है। अगर आप अपने आप को एथिस्ट कहते हो और अपने आप को कूल समझते हो तो मैं आपको बता दूं कि आप डंब हो, मूर्ख हो। आपको अपने धर्म पर गर्व करना चाहिए, आपको मंदिर जाना चाहिए, आपको संस्कृत सीखना चाहिए, आपको अपने पूजा की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करनी चाहिए और सबसे आवश्यक आपको अपने लोगों के साथ घुल मिलकर रहना चाहिए। धर्म छिपाना आपकी मूर्खता का परिचायक है। एक भीड़ दूसरी भीड़ से ही डरती है और अगर आप अपने टीममेट्स के साथ नहीं हैं तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। अगर आप अपने आप को सेकुलर बताकर भीड़ से अलग दिखने की कोशिश करेंगे तो आपकी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो जाएगी। आप भले ही इसे मॉब मेंटालिटी कहें या इसके लिए किसी अन्य विशेषण का प्रयोग करें,
लेकिन मैं इसे शक्ति प्रदर्शन कहूंगा। 90 के दशक में जब शिवसैनिक रोड पर निकलते थे तब डी कंपनी भी डर से थरथर कांपती थी। आज के दौर में भारतवर्ष के हिंदुओं में फूट पड़ी हुई है और किसी को पता नहीं है कि करना क्या है। सभी कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन अलग अलग व्यक्तिगत तरीके से। राजनीति के अजहरुद्दीनों ने हिंदुओं को दशकों से बांटकर अपना उल्लू सीधा किया था, परंतु वर्ष 2014 से राजनीति के गांगुली अपना काम कर रहे हैं। पर हमें अपने आप पर काम करने की आवश्यकता है। अपने आप में सुधार लाते हुए हमें एक बैनर के नीचे आना होगा जिसका रंग भगवा है और वह है हिंदुत्व।